बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे के बाद सियासी गलियारों में तहलका मचा हुआ है। बीजेपी ने समर्थन तो दे दिया, साथ ही समाज को बांटने का आक्षेप भी लगा दिया, जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के इस जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ इस पर सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने आदेश दिया कि मामले को शुक्रवार की वाद सूची से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि जिक्र किया गया था कि राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को जाति आधारित सर्वेक्षण डेटा जारी किया है। महात्मा गांधी की जयंती के दिन बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना जारी की है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC की आबादी 36% के आसपास, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC 27%। अब एक बार उन आंकड़ों को देखते हैं जो बिहार सरकार ने जारी किए हैं। बिहार सरकार के मुताबिक बिहार में आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC की आबादी 36% के आसपास, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC 27%, अनुसूचित जाति 19% के आसपास, अनुसूचित जनजाति 1.68% है, जबकि राज्य की कुल 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी में ऊंची जातियां 15.52% है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम लोगों के हित में नीतियां बनाने के लिए मंगलवार को एक सभी दलों की बैठक बुलाई थी। यहां ये जान लेना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण प्रक्रिया या सर्वेक्षण के परिणामों को पब्लिश करने पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से बार बार इनकार किया है। हालांकि ये तर्क दिया गया था कि डेटा के पब्लिश होने के बाद मामला निरर्थक हो जाएगा। बता दें कि पहले भी कोर्ट के फेरे में ये जनगणना फंस चुकी है। उधर रिपोर्ट आने के बाद ये विवाद शुरू हो गया कि ये सिर्फ जाति की संख्या पता करने की कवायद थी, इसमें आर्थिक स्थिति, वर्तमान सामाजिक स्थिति का कोई जिक्र ही नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने तो नीतीश सरकार की इस जनगणना को बिल्कुल ही बेकार बताया है। जाति आधारित गणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सितंबर में सुनवाई टाल दी थी। सर्वोच्च अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि भारत में जनगणना करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और बिहार सरकार के पास राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण के संचालन पर निर्णय लेने और अधिसूचित करने का कोई अधिकार नहीं है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।